देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जो मैंने अभी आपको बातें बताई थी जितनी भी, तो वही रीजन है हम लोगों का 14 लाख रुपए पहुंचने का। और यदि आप लोग भी 14 लाख रुपए महीना चाहते हैं, आप लोगों को भी जैगवार चाहिए, आप लोगों को भी ब्रेजा चाहिए, आप लोगों को भी पोर्श चाहिए, आपको भी 70 लाख का घर चाहिए, आपको भी 9 फॉरेन ट्रिप चाहिए, आपको भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही प्राउड फील कराना है जैसे हमारे पेरेंट्स आज करते हैं, तो जो काम मैंने आज आपको बताया वो जरूर कीजिएगा। सिस्टम कभी मत छोड़ना, एक्शंस पूरे पूरे लेना, कितने भी बड़े गोल ले लो, कितनी भी बड़ी कुछ भी सोच बना लो, लेकिन जब तक छोटे छोटे एक्शंस नहीं होंगे तब तक वो बड़े बड़े गोल्स अचीव कर ही नहीं सकते। तो डेली आपको 3 से 4 होम मीटिंग्स करनी ही करनी है। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो 2 मीटिंग इज मस्ट। 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो की ऐड आती है ऐसे हम कहते हैं, 2 डेमो डेली जिंदगी के। अगर हमने ये नहीं करा तो जिस गोल को हमने लिखा है वो लिखे का लिखा रह जाएगा, और पता नहीं हम कहाँ होंगे और वो गोल शीट कहाँ होगी। अगर उस गोल को अचीव करना है तो एक्शंस तो लेने पड़ेंगे। बिल्कुल हम लोगों की सफलता का राज ये है, एक्शंस एक्शंस एक्शंस, हमारे गोल्स गोल्स गोल्स। हम जितना ज्यादा पैसा कमाने पे फोकस करते हैं उतना ज्यादा हम ये भी सोचते हैं कि हमें उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, अपने कौन से गोल को पूरा करना है, वरना हमारा मन ही नहीं करेगा ना। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है और हमें उसके लिए 10 लाख पे चाहिए, तो हम 10 लाख मेहनत क्यों करेंगे? वो 10 लाख एक्स्ट्रा हमें अपनी इनकम में से निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? जब हम एफर्ट डालेंगे। अगर हमें पोर्श लेनी है 1.25 करोड़ की गाड़ी, तो उसके लिए हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। तो अपने गोल्स बनाइए, ऐसे गोल्स जो आपको अंदर से रोंगटे खड़े कर दे, आपको इंस्पायर करे कि यार ये चीज करनी है। अगले साल क्यों नहीं सुमी जी जा सकती दुबई अपना बर्थडे मनाने के लिए? जा सकती है, तो उनको क्या करना है, वो गोल लेना है। और ये बात सुमी जी के लिए नहीं कह रही, जितने भी लीडर्स आज हमें सुन रहे हैं, बनाइए प्लान अपने बर्थडे को फॉरन ट्रिप बिल्कुल फॉरन जाके एंजॉय करने का। जब हम दोनों कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास जब अपने गोल्स हो सकते हैं तो आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता? और घूमना फिरना तो हर किसी को पसंद है, और क्या पता बहुत जल्दी 2-3 महीने में कोई बहुत अच्छी न्यूज कंपनी हमें घुमाने की दे दे, तो कंपनी तो घुमाएगी घुमाएगी, जिंदगी भर घुमाएगी, हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन अपने ट्रिप भी आप मार सको, वो वाली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो गोल बना लीजिए, एक्शन ले लीजिए, सिस्टम को छोड़िए मत। अपलाइन ने जैसा बोला, आंखों पर पट्टी लगा के वो चीज को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपका बिजनेस बढ़ता बढ़ता, और पीजी बीवी हमेशा बढ़ाते जाइए, नए लोगों को लाते जाइए। जो आपकी पुरानी टीम चल रही है वेरी गुड, लेकिन नई टीम के ऊपर भी ध्यान दें, नई लोगों को स्पॉन्सर करें। आज भी हम नए लोगों को ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे अपने नए, हमने लॉकडाउन में 85,000 पीजी बीवी करे हैं अपने करें। अगर ग्रोथ चाहिए तो पीजी नए लोग नए तो लोग लाने पड़ेंगे, उसके बिना आप नहीं कर सकते इस यस बिजनेस में। तो बस यही कहना चाहेंगे, बाकी देखो दोस्तों, मैं तो लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, लोग दुनिया भर में ना उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टे सीधे नशे करते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं, पैसे से बड़ा नशा कुछ नहीं है। जिस दिन पैसे का नशा चढ़ गया ना, उस दिन आप लोगों को पता चलेगा क्या होता है। आज जो पूछ है ना, वो पैसे वाले की पूछ है। जितना यहाँ पे पैसा मिलेगा, जितनी पूछ मिलेगी ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली। और आप लोगों को बताऊंगा एक चैलेंजेस के बारे में। दोस्तों चैलेंजेस तो आते रहेंगे लाइफ टाइम, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, उसको चैलेंजेस मत समझिए। वो कहते हैं ना, ना मानो तो बहता पानी और मानो तो गंगा माहू। तो ऐसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी समझे, ना कि उन्हें चैलेंजेस लें। तो ये सब चलता रहेगा, एज अ अपॉर्चुनिटी लो। हमारे सामने भी एक चैलेंज आया था पिछले साल, जिसका नाम था कोरोना पॉजिटिव। पूरे साल उस पॉजिटिव ने नेगेटिव फैलाया। तो दोस्तों वो पॉजिटिव चैलेंज हमारे लिए सच में ही पॉजिटिव निकला, अपॉर्चुनिटी बन गई। और देखो हमारा चेक बन गया 13,85,300 रुपए का। आज हम दिन के 55,000 रुपए कमाते हैं, क्योंकि हम चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं लेते, अपॉर्चुनिटी लेते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। और एक चीज लास्ट में मैं ऐड करूंगी कि आप सब लोग बहुत लकी है कि आपके पास हर्ष दत्ता जी जैसे लीडर है, यस जो इतने, मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि हमारी टीम में बहुत से लीडर्स हैं, लेकिन अगर हर्ष दत्ता जी की बात करूँ तो ये ऐसे लीडर है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये हमें कब याद करते हैं कि अच्छा अगर इसमें कोई चीज ऑफर में समझ नहीं आई या कुछ नहीं आई तो ये हमसे पूछते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते कि अक्षय जी दिग्विजय जी डेमो किट उठाओ और मेरे साथ चलो डेमो करने के लिए, क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट है, ये खुद इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग देना जानते हैं, ये खुद डेमो करना जानते हैं, इसलिए इनकी टीम आज बढ़ती जा रही है। और मुझे पता है वो दिन दूर नहीं कि हर्ष जी अपनी गाड़ी तो लाएंगे, ये तो मुझे पता है कि इसी साल लाएंगे 2021 के अंदर अंदर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज जैगवार में से भी इनकी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये लग्जरी कार भी अचीव करेंगे।
और बात सिर्फ हर्ष दत्ता जी की नहीं है, हर्ष दत्ता जी ने अपनी टीम इतनी बढ़िया बना रखी है और सबके अंदर आप लोगों के अंदर प्यार, आपके अंदर बॉन्डिंग इतना अच्छा लगता है हमें देख के। हम अब जब हम होते हैं ना साथ में तो हम ये बातें बहुत ज्यादा करते हैं कि यार ये कितनी अच्छी टीम है, कितने प्यार से रहती है। और ऐसी टीम आप लोगों की ना, आप लोगों ने अपनी टीम में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रखा है कि हर कोई बंदा चाहेगा आपकी टीम के साथ आके जुड़ना, क्योंकि प्यार मोहब्बत मौज मस्ती हर चीज इतनी ज्यादा कूट कूट के भर रही है। और मैं तो दूसरी टीम में भी इनका एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर टीम बनाओ तो हर्ष दत्ता जी जैसी और इन जैसी बनाओ जो ये इतने बढ़िया बढ़िया, चाहे मैं मनीष सीजा जी का नाम लू, निधि सीजा जी का नाम लू, या मैं सुमी जी का नाम लू, रीना लूथरा जी का नाम लू, या तन्नु जी का नाम लू, तन्नु का नाम लू, मेघा का नाम लू, ये अपनी दीपाली का नाम लू, सारे एक से एक धुरंधर लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी BMW आएगी, सबके पूरे होंगे सपने। क्या रखना है? पेशेंस, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर होना बहुत जरूरी है। एक्शन लेते रहो, पैरों में चक्कर, हमेशा मीठा बोलो और सर पे बर्फ, मतलब पेशेंस। बहुत से टाइम मन करेगा डाउनलाइन का सर फोड़ने का, लेकिन प्यार से रहना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है कि जब हमें गुस्सा भी आता है लेकिन तब भी हम उसको प्यार से मोल्ड कर पाएंगे तो ही हम बड़े लीडर बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ और भी बहुत लीडर होंगे, देखो मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बहुत से लीडर है जिनको आंखों देखते ही मैं समझ जाऊंगी कि कितने बढ़िया लीडर है। ठीक है ना, हमारे कपिल दत्ता जी है, हमारे तनुज जी हैं, हमारे मनीष जी हैं, सनी अरोड़ा जी हैं, उनकी मम्मी है, भाई साहब कितने बढ़िया बढ़िया लीडर्स हैं ये। तो मैं सबका नाम, सॉरी अगर किसी का नाम रह गया हो, लेकिन सब यहाँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है।